मुकेश साहनी जी का तो हमको कहना ही नहीं। हमने तो कहा था कि मुकेश जी आप जो इतना मंत्री बन करके इतना बोल रहे हैं, आप अपना चिंता कीजिए, आप रिचार्ज कूपन कितना है, रिचार्ज होगा कि नहीं होगा, तो आज देखिए क्या हो रहा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पर आज कटाक्ष किया है। औरंगाबाद वो पहुंचे थे जहां पर सभा को संबोधित कर रहे थे। आपको पता है बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में तमाम जो आरजेडी के, जेडीयू के, बीजेपी के नेता हैं वो अब क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्योंकि 24 सीटों की बात है। 24 सीटों की लड़ाई सबके लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है और 4 अप्रैल को मतदान होना है। लेकिन ऐसे में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपने वोटरों को गोलबंद कर रहे हैं, जो स्थानीय निकाय कोटे से जनप्रतिनिधि चुनकर हैं उन्हें गोलबंद कर रहे हैं, वहीं इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुकेश सहनी पर भी तंज कस रहे हैं। क्या आपका कूपन रिचार्ज होगा? याद है बिहार विधानसभा में कहा था तेजस्वी यादव आज इस बात को मंच से कह रहे थे, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। आप सब लोग उसे कहना चाहते हैं ये कोई 24 सीट का चुनाव नहीं है, ये पूरे बिहार का चुनाव है और पूरे बिहार का चुनाव में ही 24 सीट बटा हुआ है। आप बता दो कोई पंचायत, कोई ब्लॉक, कोई विधानसभा, कोई वार्ड कहीं का वोटर नहीं है, हर जगह का वोटर, हर वार्ड का, हर पंचायत का वोटर लोग है, पूरे बिहार का। तो ये बिहार का चुनाव, इस चुनाव में 24 में से अगर हम लोग 15 सीट जीतते हैं तो आप समझिए कि जो जनादेश होगा जनता का वो महागठबंधन हम लोगों के पक्ष में होगा, तो मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी और आप सब लोगों का जो उम्मीद है, जो भरोसा है, उसको हम लोग कामयाब करने के लिए एकजुटता के साथ आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे दोनों सदनों में। और ये लोग तो अब तो झूठ झूठ मूठ का सरकार है, सर्कस वाला सरकार है। और एक और बीजेपी का विधायक मंत्री है, बीजेपी के मंत्री को बोलता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपया लेता है। जदयू का मंत्री बोलता है कि उसका चपरासी अधिकारी नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा भेज देता है, मुख्यमंत्री स्पीकर को लताड़ते हैं, स्पीकर मुख्यमंत्री जी को। आप समझ जाओ कैसा सरकार चल रहा है। मुकेश साहनी जी का तो हमको कहना ही नहीं है। हमने तो कहा था कि मुकेश जी आप जो इतना मंत्री बन करके इतना बोल रहे हैं, आप अपना चिंता कीजिए, आप रिचार्ज कूपन कितना है, रिचार्ज होगा कि नहीं होगा, तो आज देखिए क्या हो रहा। तो औरंगाबाद पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां अपने प्रत्याशी को लेकर के लोगों से अपील की, वोट मांगा, ये कहा कि आरजेडी को आप चुनाव जितवाइए, लेकिन इशारों में मुकेश सहनी पर भी काफ़ी कुछ कहा है, सत्ता पक्ष पर भी काफ़ी कुछ कटाक्ष किया है। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने पूरी बातों को रखा है जनता के सामने, स्थानीय निकाय कोटे के जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनके सामने? आपने सुना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।